आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। बिजुपाड़ा स्वतंत्रता सेनानी सह विधायक सोमा टाना भगत की जयंती मनाई गई। चान्हो प्रखंड स्थित बिजुपाड़ा चौक में स्वतंत्रता सेनानी सह मांडर विधानसभा के प्रथम विधायक सोमा टाना भगत की जयंती समारोह कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कई नेताओं ने बिजुपाड़ा चौक स्थित सोमा टाना भगत के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसमें मांडर विधायक बंधु तिर्की, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं आजाद भारत के बाद मांडर के पहले विधायक श्री सोमा टाना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए लोगों से अपील की कि राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्ते और अहिंसा को अपनाते हुए लोग उनके बताए हुए तरीके पर जीवन व्यतीत करें। आज उनके उच्च विचार ने भारत को आज़ादी के साथ साथ एक नई ऊंचाई दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सनी टोप्पो ने भी स्वर्गीय टाना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सोमा टाना भगत से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे सोमा टाना भगत, जीवन में कभी उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है और क्षेत्र के टाना भगत उनके सच्चे आदर्श एवं मार्गदर्शक हैं। टाना भगत की प्रतिमा अंचल अधिकारी चान्हो और कांग्रेस नेता मोहम्मद मुजीबुल्ला अजीत कुमार सिंह ने भी माल्यार्पण किया। आज 2 अक्टूबर हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोमा टाना भगत जी का जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को अहिंसा के मार्ग पे चलने पे एक योगदान दिया है। आज जितने भी हमारे क्षेत्र में टाना भगत हैं, आज महात्मा गांधी के आदर्श पे चलने वाले लोग, ये सारे टाना भगत के समाज के लोग उनके आदर्श पे चल रहे हैं। गांधी जी की जो विचार थे, गांधी जी के जो अहिंसा सत्याग्रह का जो मार्ग है, उसको हमारे इस क्षेत्र के टाना भगत असल में उनके जीवन जिए हैं। गांधी जी के आदर्श को ये लोग जी रहे हैं और इस गांधी जी के अवसर पे, जयंती के अवसर पे अवसर। मेरा नाम मुजीबुल्ला है। मैं स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय सोमा टाना भगत जयंती, ये जो स्मारक समिति है, इस समिति का संरक्षक हूँ और ये जो स्वर्गीय सोमा टाना भगत हैं, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश का यहाँ का प्रथम विधायक थे। आज टाना भगतों का जो समस्या है, ये महात्मा गांधी का फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं और ना कोई भी सरकार इतना आई इतना गई और है, फिर भी इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हम लोग हर वर्ष इनका जयंती समारोह सोमा टाना भगत जी का मनाते आए हैं, लेकिन ये जो टाना भगतों का समस्या है, ये जस का तस है। इनका बदहाल स्थिति, टाना भगतों का बच्चे लोगों का ना शिक्षा का सही व्यवस्था, ना इनका विकास का सही व्यवस्था, ना इनके बच्चों का नौकरी चाकरी में कोई सही व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण टाना भगत आज बेहाल हैं। टाना भगत, हम तो मांग करते हैं सरकार से कि टाना भगतों का समस्या का समाधान के लिए एकदम गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। और मेरे साथ देखिए, टाना भगत जो संघ है, उसका अध्यक्ष छोटा नागपुर का झिरगा टाना। आज स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय सोमा टाना भगत का जयंती सादगी के साथ मनाए गए और गांधी जयंती भी आज मनाए गए और शास्त्री जी का भी जन्मदिवस आज ही मनाए। और इस कोरोना टाइम में हम लोग किसी तरह का प्रोग्राम करते थे, लेकिन इस बार हम लोग सादगी के साथ मनाएं। और